जब एक सिद्ध अघोरी ने बताया सिद्धू मूसेवाला के पुनर्जन्म की घटना के बारे में कि उनका जन्म कहां पर और किस परिवार में होगा। जी हां दोस्तों, इन अघोरी बाबा ने सिद्धू मूसेवाला के बारे में काफी सारी बातें बताई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला पुनर्जन्म लेने के बाद क्या करेंगे, ये बातें भी उन अघोरी बाबा ने बताई। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और सिद्धू मूसेवाला के बारे में अघोरी बाबा ने जो भी बताया जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हरिद्वार के रहने वाले एक अघोरी ने सिद्धू मूसेवाला को लेकर बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी कर दी है कि सिद्धू मूसेवाला का पुनर्जन्म कब और कैसे होगा। दोस्तों आप अघोरी बाबा के बारे में तो जानते ही होंगे, ये भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। इनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां होती हैं। ये आधी रात में शमशान में बैठकर भगवान शिव और माता काली की आराधना करते हैं और शमशान में ही मरे हुए लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं। बेशक इनका रहन सहन बहुत ही भयावह होता है, लेकिन इनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां होती हैं। ये एक बार जो भी बोल देते हैं वो निश्चित ही होकर रहता है। अघोरी बाबा इतनी आसानी से किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन जिसको भी देते हैं मानो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों हरिद्वार में रहने वाले एक अघोरी ने हाल में ही सिद्धू मूसेवाला के बारे में भविष्यवाणी की है कि सिद्धू मूसेवाला का पुनर्जन्म होगा और वो भी पंजाब में ही। पुनर्जन्म होने के कुछ सालों बाद उनकी पुराने जन्म की यादें फिर से वापस आ जाएंगी और वो अपने पुराने जन्म का बदला जरूर लेंगे और साथ ही साथ वो गरीबों की मदद करेंगे। दोस्तों अघोरी बाबा ने बताया कि वो एक अच्छे इंसान थे और उनके कुछ काम और सपने अधूरे रह गए हैं, इसलिए सिद्धू मूसेवाला का पुनर्जन्म जरूर होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले जल्द ही पकड़े जाएंगे और उनको सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों आपको इन अघोरी बाबा के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सिद्धू मूसेवाला का पुनर्जन्म होना चाहिए या नहीं इस पर अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।